जिला कलेक्ट्री भीलवाड़ा से सीधा दृश्य है और आज जवाबदेही यात्रा का 16वां दिन जो है आज संपन्न हुआ है और आज जिला कलेक्ट्री पे पहुंचे हैं। सफल पूर्वक ये यात्रा रही है। बहुत से मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई है। सबसे बड़े जो मुद्दे निकल के आए हैं वो बड़े मुद्दे यहाँ पर है। एक तो चारा भूमि वाले मामले सबसे ज़्यादा है। चारा भूमि नष्ट हो रही है, उसको बचाने के लिए प्रयास कैसे किए जाए। दूसरा है यहाँ पे सिलिकोसिस नाम की बीमारी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो मुद्दा था यहाँ पे श्रमिक कार्ड क्यों लेके था, मजदूरों के कार्ड नहीं बनते हैं उसके लिए चक्के काटे लेते, एक तो ये मामला था। दूसरा महिला जो डाकन प्रथा है वो यहाँ पे ज़्यादा बताई गई, डाकन प्रथा को लेकर यहाँ पर FIR जो है वो सही तरह से दर्ज नहीं की जाती, इसलिए महिलाओं को जो है वो न्याय नहीं मिलता और वो भटकती रहती है और पुलिस का यहाँ पर ढीला रवैया देखने को मिला है। एक तो ये बात हुई है। दूसरा यहाँ BD वर्कर्स जो है बड़ी संख्या में काम करते हैं, 10,000 से ज़्यादा BD वर्कर्स काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, एक तो उनका ये मुद्दा था। और इसके अलावा भी महिला उत्पीड़न वाले मामले हैं, महिला हिंसा वाले मामले हैं, ये मामले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिले हैं। और जवाबदेही यात्रा में ये सभी जो मुद्दे हैं वो लिखे गए हैं और जो कलेक्टर साहब और SP साहब के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर यहाँ हल नहीं होते तो राज्य स्तर पर भी ये मामले रखे जाएंगे और इसके समाधान के लिए देख रहे हैं। देश में किसी की जवाबदेही नहीं है। अब वो महिला बोल रही थी मैं पहले थाने में गई, थाने में रिपोर्ट लिखी, फिर मैं पूरे SP के पास गई, कलेक्टर के पास गई, ADM के पास गई, यानी हम देखें तो चरमरा ही व्यवस्था है। इससे क्राइम बढ़ता है, अगर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय में वो हाथ छोड़ देता है और अगले आदमी को उसका श्रेय मिल जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी जिसने कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो ये जवाबदेही कानून इसी आंदोलन का एक हिस्सा है और जवाबदेही यात्रा आज 4 जनवरी 2022 को आज भीलवाड़ा के अंदर ये यात्रा पहुंची है, जहां पर सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, वैचारिक संगठन हो, यहाँ बेगर मोहनलाल जी मेघवंशी जी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ये यात्रा को समर्थन देना है और यात्रा जनहित में जारी है और जनहित के लिए ये यात्रा बहुत ही जरूरी है। कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं साथी, ये जो प्रतिनिधि मल है वो जाएगा और वहाँ जाकर जो है चर्चा होने वाली है। जो मुद्दे हैं सिलिकोसिस के वाले मुद्दे हैं उनको लेकर जो है जाने वाले हैं और उसकी तैयारी शंकरलाल जी कर रहे हैं, कौन जाने वाला है। हमारे साथ में हमारे भरावी निर्माण मजदूर सदस्य संघ के साथी है, नाम बताओ। सूरमा राम जी हमारे साथ में है, सूरमा लगाओ आंखों में, बहुत जोरदार है, सूरमा लगाने वाले भी आ गए। सूरमा राम तो इनका नाम है, सूरमा लगाने वाले भी आ गए। सूरमा नहीं, सूरमा आंखों में लगाया जाता है। ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जवाबदेही यात्रा का आंदोलन आज ये दिन जो रहा है कलेक्ट्रेट पर रहा है, बहुत सफल पूर्वक रहा है। आप चले यहाँ क्या हालात आपको देखने को मिले, कुछ बताना चाहेंगे? हालात यही है, लोगों की समस्याएं हैं। अभी मेरी एक महिला से बात हुई जो यहाँ पे फूलमालाएं बेचती है, वो उसकी बेटी है, वो विधवा हो रही है, उसके 2 बच्चे हैं। वो ऐसे बोल रही है कि सरकारी मतलब घर के पास में उनका सरकारी स्कूल है, बट जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सरकारी स्कूल में बोला जाता है कि यहाँ पे तो बच्चे बहुत हो गए इसलिए हम लोग नहीं ले सकते स्कूल। ये दिक्कत मेरे को देखने को मिली कि सरकारी स्कूल है, बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। देखो कैसी व्यवस्था है ये कि भगवान को फूल चढ़ाने वाली, फूल बेचने वाली महिला, उसके फूल का संरक्षण नहीं है, उसके जो पेट का जो बच्चा है उसको पहले उधर आ जाओ, इनका बाद में आओ। चलो चलो अब आ जाओ। तो ये बड़ी चरमराई व्यवस्था है। तो देखो हमारे साथी और हम दोनों बैनर समेटने के लिए जा रहे हैं और ये बैनर बहुत बड़ा है, ये बैनर बहुत लंबा है, 60 फीट लंबा। उधर से करके आओ, आप इधर से ला रहा हूँ। इस बैनर को हमें समेटना है जिसमें लिखा हुआ है जवाबदेही आंदोलन, जवाबदेही यात्रा, जवाबदेही कानून पास करो, उसको समेटते हैं। वो हमारे साथी अभी खोलने जा रहे हैं, मैं भी इधर से खोल लेता हूँ। धन्यवाद साथियों, वीडियो के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें।